जुर्म के इतिहास की सबसे बड़ी एंटीक स्मगलिंग को हमने कल रात को पकड़ा है। हमारे देश के हजारों साल पुराने प्राइसलेस हीरे, मोती, जवाहरात, पेंटिंग्स, स्टैचूज, कुल मिलाकर 10,000 किलो का नेशनल ट्रेजर विदेशी मुल्क को बेचे जाने से हमने रोका है। अंदाजा लगाया जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 500 करोड़ रुपए है। इंटरपोल को शक है कि ये सारा माल एंटीक स्मगलर्स जौहरी ब्रदर्स का है। ये चिपके हुए जुड़वा भाई उन लोगों में से नहीं जो अपने माल को आसानी से जाने दें। ये इसे वापस हासिल करने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए हमारा काम यही खत्म नहीं होता। हमारा अगला मिशन होगा इस माल को सुरक्षित दिल्ली के सरकारी खजाने तक पहुंचाना, और इस मिशन का नाम होगा भारत भूषण। शट अप जगताप। और इस मिशन का नाम होगा भारत का खजाना। इस मिशन में हमें इस खजाने को एक स्पेशल हाई सिक्योरिटी ट्रेन में दिल्ली तक पहुंचाना है। याद रहे, ये ट्रेन सीधा दिल्ली पहुंचेगी, बीच में कहीं नहीं रुकेगी। इसीलिए जौहरी ब्रदर्स को अपने एंटीक्स हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, चलती हुई ट्रेन से इसे चुरा लेना। कुछ भी बोलता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जौहरी ब्रदर्स अपना कोई भी गैर कानूनी काम खुद नहीं करते। हर बार की तरह इस बार भी वो किसी की मदद जरूर लेंगे, लेकिन वो कौन है जो इतना बहादुर और शातिर हो जो हमारे नाक के नीचे ये काम दिन दहाड़े कर सके? दिन दहाड़े? वो तो ये काम रात के अंधेरे में भी कर सकता है, और नाक के नीचे क्यों, पीठ पीछे भी कर सकता है, है ना? है ना? जगताप, शट अप। हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये काम सिर्फ 3 लोग कर सकते हैं। पहला उम्मीदवार है हैदराबाद से इस्माइल शेख उर्फ इस्माइल कोयला। इस्माइल कोयले से ज्यादा काला है या कोयला इस्माइल से ज्यादा काला, यह कह पाना जरा मुश्किल है। इस्माइल के पास 2 हथियार हैं, एक रात का अंधेरा और दूसरा इस्माइल का स्माइल। इस्माइल कोयला, यू आर अंडर अरेस्ट। इस्माइल रात के अंधेरे में किसी साये की तरह कहीं खो जाता है। लगता है फिर भाग गया। ओ, इसलिए आज तक हम इस्माइल कोयला को पकड़ नहीं पाए, है ना सर? है ना? इस्माइल ने कुछ साल पहले सालारजंग म्यूजियम में चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार बदकिस्मती से उसका केस मुझे मिला था। सर, उसकी बदकिस्मती या आपकी? जगता, चुप बैठो और आगे सुनो। इस्माइल कोयला, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन इस्माइल के ये सारे हथखंडे अब पुराने हो चुके थे। इस्माइल, ये चोरी चकारी छोड़कर शराफत की जिंदगी क्यों नहीं बसर करते? मेरे पास तुम्हारे लिए एक माइंड ब्लोइंग जॉब ऑफर है। घंटे का 1,00,000 रुपया मिलेगा। राजधानी एक्सप्रेस की हेडलाइट खराब हो गई है और तुम्हें आगे दांत दिखा के भागना है। वो रहा, पकड़ो पकड़ो। इस्माइल प्लीज। दूसरा उम्मीदवार है मास्टर इंडिया। यू मीन मिस्टर इंडिया? आई मीन मास्टर इंडिया। ओह सॉरी। मिस्टर इंडिया तो बहुत नेक इंसान थे। मास्टर इंडिया उनकी बिगड़ी हुई औलाद है जो अपने महान बाप के महान पावर्स का नाजायज फायदा उठा रहा है। जहां इस्माइल कोयला रात के सन्नाटे में सबसे चुपके चोरी करता था, वहां मास्टर इंडिया दिन दहाड़े सबके सामने चोरी करता है। अरे उसने हार ले लिया, गायब हो गया वो। उस दिन से अगले कुछ वक्त तक मैं हर पार्टी, फंक्शन और शादियों के चक्कर काटता रहा मास्टर इंडिया की तलाश में। और फिर एक दिन उससे हाथ मिलाने के बहाने मैंने उसका ब्रेसलेट बदल लिया। कौन
मिया को लगा कि वो गायब हो चुका है और अपने जश्न का नंगा नाच नाचने लगा। उसे नहीं पता था कि अब सब लोग उसे देख सकते हैं। मास्टर इंडिया, कमिश्नर, खुश हुआ। और अब बचता है हमारा तीसरा और अब तक आजाद उम्मीदवार, मुंबई से तबरेज मिर्जा खान उर्फ तीस मार खान। इसके फैंस इसे आधा रॉबिन हुड भी कहते हैं। आधा रॉबिन हुड क्यों सर? क्योंकि अमीरों से लेता तो है पर गरीबों को देता नहीं। इंडिया का सबसे तेज क्रिमिनल मास्टरमाइंड तीस मार खान सर। हेलो जेंटलमैन, खुशखबरी है। मिस्टर इंडिया पार्ट टू शुरू हो रहा है। तेरी अभी अभी खबर मिली है कि तीस मार खान पेरिस में गिरफ्तार हो चुका है। अपने अपने फैंस को ऑटोग्राफ देते हुए बदकिस्मती से उनमें से एक फैन इंटरपोल का खुफिया एजेंट था। जेंटलमैन, एज वी स्पीक, तीस मार खान इंडिया लाया जा रहा है। CBI officer Chatty. Hello. CBI officer Mukherjee. Here's your man. We'll take it from here. Okay. Yeah. खाने बेटा खाने। आज जितना खाना खा ले, कल से तो जेल का खाना खाएगा। क्यों दादा? उसकी लुटती इज्जत को बचाना और तीस मार खा को कैद करना दोनों बेकार है। कल का खाना मैं जेल में नहीं, नहीं, घर में। हाँ। अपनी माँ के हाथ से खाऊंगा। यार एक बात समझ में नहीं आई, बॉस तो पेरिस में अरेस्ट हो गए, फिर हमको गाड़ी लेकर आने के लिए क्यों बोला यार? ये मुंबई पुलिस वाली गाड़ी नहीं बेच सकते क्या? यू ब्लडी बर्गर, बॉस ने पुलिस को चकमा देने का प्लान किया इसलिए हम लोग यहाँ गाड़ी लेकर खड़े हैं। अरे ये लो, ये तो अपना बॉस ही है। बॉस है? डॉलर सोडा, कैसे हो मेरे बच्चों? सही है बॉस, गाड़ी गाड़ी हमारी वो नहीं। You know who I am? You, but ma'am, फ्लाइट में कुत्ता अलाउड नहीं है। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पैनी को कुत्ता बुलाने की? I'll shut your damn airline. Sorry madam, sorry, इसे पता नहीं आप कौन है, आप प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज सेटल डाउन एवरीबॉडी। तुम यहाँ पागल हो गई हो तुम? इसके पिता पंकज शुक्ला है, एविएशन मिनिस्टर। I'm sorry. जाओ जाके सॉरी बोलो, जाओ जाओ। बाद में। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। माना कि तू तीस मार खा है लेकिन ये प्लेन का टॉयलेट है, हाई कोर्ट का टॉयलेट नहीं है, जहाँ से तू कूद कर भाग जाएगा पिछली बार की तरह, समझे? क्यों दादा? अगर सड़े चुटकुले खत्म हो जाए तो मैं जाऊँ। चल चल चल, धक्का मत दीजिए, यही निकल सकता नहीं तो।
Oh, they tied me up. Can you remove my rumal? Itna bada chamdi hai sala, idhar bhi chalo kya? Not so low, not so low. Thank you. You're welcome. चलो कहाँ प्लेन के बाहर हाँ प्लेन का बाहर बैठे चुपचाप को धो जाके मैं धोता हूँ अरे मैं धोता हूँ सॉरी 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 ये रियली सॉरी मैडम प्लीज जाने दीजिए ना ऐसे कैसे जाने दो आई विल कैंसिल योर लाइसेंस स्टॉप द प्लेन आई विल लैंड करो अभी कैसे लैंड कर सकते हैं मैडम क्यों प्लेन में ब्रेक नहीं है क्या ब्रेक मारो और लैंड करो कैप्टन भल्ला प्लीज आप ही समझाइए इसे हे यू तुम कहां जा रहे हो ब्रेक मारने जा रहा हूं देखिए मैडम बात समझने की कोशिश कर रही हूं Captain Andrew. Hello. Tum yahan? I was on toilet. Then who flew the plane? I put the plane on autopilot. Big problem. One, two, three. हम तीनों कैप्टन बाहर हैं तो प्लेन कौन चला रहा है? ये इडियट कैप्टन एंड्रू ने प्लेन को ऑटोपायलट में डाला होगा. अब तीनों कैप्टन बाहर हैं और दरवाजा भी नहीं खुल रहा है. मर गए. We are finished. अब चले क्यों? We are finished. Hold on. दरवाजा खोलने की कोशिश करिए शर्म नहीं आती तानू सब उसे दरवाजा खोलने लगे ने तुसी दोनों इतने बैठे हो हाय रब्बा बेड़िया अरे बेड़िया नहीं आंटी जी हाथ कड़ियां खोलते क्यों नहीं अरे खोलते क्यों नहीं मानेगी इसका हाथ कड़ी खोल दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा प्लीज गो एंड माइंड योर ओन बार हाय बेचारा अरे कोई बेचारा बेचारा नहीं है आप इस आदमी को नहीं जानती हैं कोई ऐसी तिजोरी नहीं है कोई ऐसा ताला नहीं है जो ये आदमी नहीं खोल सकता ही कैन ओपन एवरी ब्लडी लॉक नहीं क्यों बेटा तुम जीना नहीं चाहते तुम लोग तो जिंदा बच के अपने आलीशान बंगलों में चले जाओ अपने अपनी बीवी के साथ अपने गर्लफ्रेंड के साथ अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी रखेल के साथ लेकिन मैं तो 9 साल के लिए चला जाऊंगा ना चक्की पीसने के लिए अरे ये जीना भी को जीना है लल्लू तो फिर अंकल आप क्या चाहते हो आजादी इन दोनों से पुलिस है अरे तुम लोग समझ नहीं रहे हो अरे हम दोनों पुलिस वाला है अरे तुम सब जेल जाओगे अरे ऊपर जाने से तो जेल जाना पड़ेगा चलो मैंने कहा था ना कल का खाना जेल में नहीं बल्कि अपने घर में अपनी माँ के हाथ से खाऊंगा फिलहाल तुम ये मुंह से खाओ फटाफट घर ले मुझे आने और माँ से मिलना है अरे बॉस घर नहीं जा सकते हम लोग क्यों अरे 1 घंटे में तो शहर की सारी पुलिस आपको ढूंढते हुए घर आ जाएगी वैसे भी 1 घंटे से ज्यादा मैं उन दोनों को नहीं झेल सकता लेकिन बॉस आनिया घर पर नहीं है कहाँ पे वो महबूब स्टूडियो में आइटम नंबर शूट कर रही है उसकी एक्टिंग का भूत पिक्चर का नाम क्या है शीला की क्या ये गंदा सा नाम चलो महबूब बॉस आप मुझे महबूब क्यों कह रहे हो अबे महबूब स्टूडियो चल शीला की सारी जवानी उतारता हूँ चल आन्या I hate you, आन्या आन्या बेटो मेरी बात सुनो आज वो प्रोड्यूसर मुझे साइन करने वाला था साइन तो करता पर कॉन्ट्रैक्ट कहाँ था उस ठगी प्रोड्यूसर के होटल के कमरे में फॉर योर इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट तो उसकी जेब में ही था सिर्फ पेन होटल के कमरे में था आन्या एक्टिंग वैक्टिंग सब बेकार की चीजें हैं एक्टिंग एक 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 च्युइंगम की तरह है शुरू शुरू में बड़ा मजा आता है खाने में लेकिन बाद में थूकने में तकलीफ होती है क्योंकि तुम इतनी देर से चबा रही हो इसलिए इमोशनली अटैच हो गई हो
छोड़ दो एक्टिंग वैक्टिंग डाली। कम से कम मैं एक ईमानदार इज्जतदार जिंदगी तो जीने की कोशिश कर रही हूँ। एक आइटम गर्ल बनना एक चोर बनने से तो लाख अच्छा है। ज़िप, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक कॉन आर्टिस्ट हूँ, एक क्राइम कलाकार। और दूसरी बात, माँ सुन लेगी, धीरे बोलो। सुनने नहीं दो, आज माँ को भी पता चलने दो कि उसका बेटा, उसका लकड़ी जिगर, जिसे वो बहुत बड़ा फिल्म डायरेक्टर समझती हैं, वो कोई और नहीं, वांटेड क्रिमिनल 30 मार खा रहे हैं। वांटेड मुझे 30 मार खा, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ? अगली फिल्म का टाइटल है। कैसा लगा तुझे गुंडी? अरे बहुत अच्छा लगा, तेरी पिछली वाली फिल्म से भी ज्यादा अच्छा। कौन सी फिल्म? अरे वही ओम शांति ओम। टांग खा रही है तू? बैठ बैठ जाया। आनिया यहाँ बेटे, आजा जा जा जा। तू बहुत दिनों के बाद आया है ना, तो तुम दोनों के लिए मैंने अपने हाथों से सीख कबाब बनाए हैं। तुम दोनों बैठ कर खाओ। हाँ अच्छा। तब तक ना मैं बिरयानी बना कर आती हूँ। अच्छा अच्छा। इतना चिल्लाती हो तो हाँ, तुम और तुम्हारे टॉन्सिल्स, माँ को पता चल जाता तो? चल जाता तो क्या, माँ का दिल टूट जाता ना। और तुम्हारी हड्डियाँ, कितनी शर्म की बात है कि तुम्हारी माँ ये भी नहीं जानती कि तुम एक डायरेक्टर नहीं, वांटेड क्रिमिनल 30 मार खा हूँ। इसमें कौन सी नई बात है कमीनी? स्पाइडरमैन की माँ भी नहीं जानती कि उसका बेटा स्पाइडरमैन है तो? कम से कम मैं दुनिया से तो ये कह सकती हूँ कि मैं हूँ हुस्न की मालिका आनिया खान। है तुम्हें इतनी हिम्मत कि दुनिया से अपनी असलियत बता सको? हाँ, कि तुम तिस्मार खान हो? डरपोक। मैं डरपोक? हाँ डरपोक। अभी बताता हूँ कि मैं डरपोक हूँ या बहादुर। हाँ, मैं हूँ तिस्मार खान, मैं हूँ तिस्मार खान। बॉस, पुलिस। मैं नहीं हूँ तिस्मार खान, अल्लाह की कसम मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ कसम से। बाहर पुलिस आई है, पुलिस को संभालो, माँ को भी। तबेज, कैसे? एक्ट्रेस बनने का शौक है ना, जाओ एक्टिंग करो, जाओ। अरे कौन है, कौन मर गया है, कौन इतनी घंटी बजा रहा है? मम्मी वो दो एक्टर्स आने वाले थे ना स्क्रीन टेस्ट के लिए। एक्टर्स? वो ही 30 मार खा के लिए ना, पुलिस के रोल के लिए बुलाया था। अरे हाँ, लेकिन तबरेज कहाँ है? कहाँ है वो? वो छुप गया है। छुप गया है? क्यों? इन्हें उससे ढूंढने की एक्टिंग करनी है, यही तो टेस्ट है। ओह, तो एक काम करते हैं, इनका टेस्ट ना? आखिर मैं डायरेक्टर की माँ जो हूँ, तू एक काम कर, वहाँ जाकर बैठ जा। हाँ पुलिस, 30 मार खा यहाँ है। अरे गधे, तुम लोग पुलिस वाले हो कि चंदा मांगने वाले हो? तुम लोग मुझे पूछोगे कि 30 मार खा कहाँ है, और मैं तुमको बता दूंगी। हाँ चलो फिर से पूछो, फिर से, और इस बार सख्ती से पूछो। हाँ चल चल फिर से पूछो। पुलिस, यहाँ है 30 मार खा। ये हुई ना बात, अब ना तू ना मुझे धक्का मार और अंदर जा। अरे मार धक्का और घर में घुस। चल तू भी मार धक्का। अरे मार ना।